अभिनेत्री शबाना आजमी एक सड़क दुर्घटना में बीती 18 जनवरी को घायल हो गई और इस मामले में अब पुलिस की ओर से बड़ा बयान सामने आ गया है। जहां एक तरफ मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में शबाना आजमी भर्ती हैं, अभी तक आईसीयू में है या आईसीयू से बाहर आ गई हैं, इसे लेकर कोई कंफर्म जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरे मामले पर, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की ओर से शबाना आजमी पर केस दर्ज किया गया, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, तो इस मामले में पुलिस की ओर से बयान ये सामने आया है कि वो समय पर आरोप पत्र दायर करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो शबाना आजमी के ड्राइवर से दोबारा पूछताछ की जाएगी। शबाना आजमी के ड्राइवर कमलेश कामत पर तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में संबंधित पुलिस ने ड्राइवर का बयान हालांकि पहले ही दर्ज कर लिया गया। खालापुर पुलिस थाने के प्रभारी विश्वजीत कैनगढ़ से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दुर्घटना के एक दिन बाद हमने शबाना आजमी के चालक कमलेश कामत का बयान दर्ज कर लिया, लेकिन उसे गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया। आगे जरूरत पड़ी, जब आगे की कार्यवाही की जाएगी और जरूरत पड़ी तो चालक को मुंबई पुलिस थाने बुलाया जाएगा। बता दे आपको, अंधेरी में कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में शबाना आजमी का इलाज चल रहा है। परिवार की ओर से बयान ये सामने आया है कि उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस मामले पर सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पुलिस ने कहा है कि आगे की कार्यवाही के लिए शबाना आजमी के ड्राइवर को अस्पताल बुलाया जाएगा, इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है शबाना आजमी की मुश्किलें जरा बढ़ जाएं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।